मूलियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सूरज कुमार, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, आप सभी को आज का मॉर्निंग सेशन प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने महाभारत में एक लाइन पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि रणभूमि में अगर खेलना हो तो उससे पहले मन भूमि में खेलना चाहिए। अर्थात अगर हम कोई भी काम को करने जा रहे हैं, आज हमारा दिनचर्या में है, रणभूमि में जाने से पहले हमें पहले अपने मन भूमि में काम करना होगा। अगर कोई काम को अपने मन की प्रसन्नता के साथ, वो काम को हम शिद्दत के साथ करते हैं तो वहां से कामयाबी पाई जा सकती है। तो आज इसके लिए पूरा का पूरा अमूल्य सिस्टम आपके लिए मॉर्निंग सेशन प्रोग्राम के माध्यम से आध्यात्मिक बातों के साथ साथ एक सुंदर स्टोरी और साथ ही साथ अच्छे विचारों के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं। तो मेरा मानना है अगर इस रास्ते में हम सभी एक साथ चले तो यहाँ से हम कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कहीं पे अगर रास्ता बनता है तो रास्ता कैसे निर्माण की जाती है। सबसे पहले वहां पे घास फूस पेड़ पौधे उगे रहते हैं और उस रास्ते में पहले कुछ लोग चलते हैं। अगर एक ही रास्ता में बार बार चला जाए तो वहां से वो घास फूस जो भी पेड़ पौधे उगे रहते हैं वो मरने लगते हैं, वहां से रास्ता निर्माण होती है। जब छोटी सी रास्ता होती है तो उसमें कई सारे लोग चलना चालू करते हैं, उस रास्ता को फॉलो करते हैं, तो वहां से रास्ता चौड़ी होने लगती है। और जब रास्ता चौड़ी हो जाती है, रास्ता दिखने में सुंदर दिखता है, वहां पे कंक्रीट डाला जाता है और उस रास्ता को फिक्स कर दिया जाता है कहीं पे आने जाने के लिए। तो आज कुछ दिनों पहले ये मॉर्निंग सेशन प्रोग्राम ऐसे ही शुरू हुआ था जिसमें कुछ लोग इसमें चलना चालू किए थे और आज मैं देखता हूं कि इस रास्ते में कई सारे लोग चल रहे हैं। यानी कि ये रास्ता जो घास फूस वाला रास्ता था अभी ये चौड़ी हो चुकी है। कुछ दिन के बाद ये रास्ता कंक्रीट रोड में बदल जाएंगे और ये हमारे कल्चर में आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि ये जो रास्ते में हम चल रहे हैं आप और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करें ताकि इसे हम कंक्रीट बना सकें और ये एक परंपरा बन जाए कि सुबह उठना है और हमें एक आध्यात्मिक बातों के साथ मन की प्रसन्नता के साथ इस काम को किया जाए। तो इसी के लिए आज मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों के बीच में जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा, इनवाइट करना चाहूंगा हमारे कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर सर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा मिस्टर मनीष मारवा सर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूं कि आज का दिन भी आपके लिए शुभ होगा। आप जो मंगल कामना के साथ आज दिन की शुरुआत करेंगे वो सब पूरी होगी, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। दोस्तों, आज का दिन और नया दिन और एक नए विचार के साथ। दोस्तों, किसी ने सही बोला है कि सब्र यानी धैर्य एक ऐसी सवारी है जिस पर सवार करने वाला कभी नहीं गिरता, ना किसी के कदमों में ना किसी की नजरों में। दोस्तों, हम कई बार बहुत सी गलतियां करते हैं अपने संयम को खोकर। हमारे अंदर धैर्य की जब कमी होती है तो हम बहुत जल्द रिएक्ट कर जाते हैं चीजों को लेकर, और कई बार उसके बाद महसूस होता है कि अगर ये ना करते तो बेटर रहता। कई बार बनते बनते काम भी अपने अधैर्य की वजह से, अपने उतावलेपन की वजह से हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। वो एक बार एक पिता अपनी छोटी सी बेटी के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने अपनी बेटी को बगल से लिफाफे से दो सेब निकाल कर दिए, प्लेट पर रखे, और बेटी को खाने के लिए बोला। अब बेटी जो थी छोटी सी गुड़िया थी, उसने फटाफट से दोनों सेब उठाए और दोनों को दांतों से चबा लिया। अब ये देखकर पिता को बहुत गुस्सा आया, उनको लगा कि कितनी उतावली है बेटी, कितने बैड मैनर्स हैं इसके अंदर। इसको यही नहीं पता लगा कि दो सेब में से पहले एक को खाए, इसने दोनों सेब इकट्ठे खाए, इकट्ठे उठाए और दांत से चबा लिए। लेकिन उसके बाद तुरंत बेटी ने अपने पिता को एक सेब देते हुए बोला कि पिताजी ये ज्यादा मीठा सेब है, आप पहले ये खा लीजिए। अब छोटी सी बात,
एक छोटा सा धैर्य। कई बार हम ऐसे ही लोगों को समझने में गलती कर जाते हैं, अपने उतावलेपन में, अपने सब्र की कमी के वजह से। हमें अगर सब्र हो जिंदगी के अंदर तो दूसरे के नजरिए को समझने की समझ भी हम जल्दी से जाते हैं, हम समझ पाते हैं दूसरे के नजरिए को। उतावलेपन में कई बार हम दूसरे को समझ ही नहीं पाते कि जो कार्य वो कर रहा है उसके पीछे का पर्पस क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप जरूर याद रखेंगे, सब्र यानी धैर्य एक ऐसी सवारी जो कभी आपको गिरने नहीं देगी, ना किसी की नजरों में, ना अपनी जिंदगी में अपने कदमों से। सो धैर्य रखिए, सब्र कीजिए, ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, आप अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी, और ये मुझे आमिर अंसारी जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश से हमारे लीडर हैं, उन्होंने मुझे लिखकर भेजी थी। तो आज की स्टोरी ये, मैं उन्हीं की स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार दो भाई होते हैं, खूब प्यार होता है उनमें। दोनों भाई एक दिन समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं और घूमते घूमते दोनों भाइयों में किसी चीज को लेकर बहस हो जाती है। तो बड़ा भाई जो है वो क्रोधवश छोटे भाई को एक जोर से चांटा रसीद करता है, चांटा मारता है। अब छोटा भाई थोड़ा दुखी होता है और दुखी होकर वो क्या करता है कि समुद्र की रेत पर लिख देता है कि मेरे बड़े भाई ने मुझे चांटा मारा। अब थोड़ी देर में समुद्र की लहर आती है और उस रेत के ऊपर लिखे हुए को मिटाकर चली जाती है। अब वो दोनों भाई फिर आगे बढ़ते हैं तो छोटे भाई का फिर मन उतावला होता है और वो समुद्र में घुस जाता है नहाने के लिए। अब जैसे ही वो समुद्र के अंदर जाता है तो लहरें घेर लेती हैं उसको और वो डूबने लगता है। ये देखकर उसका बड़ा भाई तुरंत कूदता है समुद्र के पानी में और छोटे भाई को बचाकर वापस बाहर किनारे पर ले आता है। अब छोटा भाई जो है इस घटना को एक पत्थर पर, समुद्र के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था, उसके ऊपर पत्थर लेकर गहरे अक्षरों से लिखता है कि आज मेरे भाई ने मेरी जान बचाई। सो दोस्तों, दोनों भाई जब, बड़ा भाई जब देखता है छोटे भाई को कि ये लिखते हुए, तो उससे वो सवाल करता है कि जब मैंने तुझे थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा और जब मैंने तुझे बचाया तो तूने इस बात को पत्थर पर लिखा। तो छोटा भाई कहता है कि देखो भैया, जो चीजें बुरी होती है, जो चीजें मन को चुभती हैं, जिस चीजों से मन को क्रोध आता है, उसको तुरंत अपने जीवन से मिटा देना चाहिए। लेकिन जो जिंदगी में आपकी अच्छाइयां होती हैं, जो जिंदगी में आपके लिए कोई अच्छा करता है, उसको सदा के लिए लिख देना चाहिए। इससे जिंदगी में खुशी बनी रहती है दोस्तों। तो ये छोटी सी स्टोरी जो बहुत बड़ा सबक देती है। हम भी जिंदगी में कई बार बहुत सारे कटु चीजें, कड़वी चीजें अपने दिल पर बोझ लेकर घूमते रहते हैं। उससे होता कुछ भी नहीं है, मिलता कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने जीवन को हम लोग व्यर्थ ही कष्ट में डाल के रखते हैं। अपने अंदर अगर हम स्ट्रेस रखते हैं, बुरी बातें रखते हैं, तो बुरे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और बुरे हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो हमारी अपनी सेहत को खराब करते हैं। लेकिन न किसी की हुई अच्छाई को अगर याद रखते हैं तो मन प्रसन्न रहता है, रिश्ते अच्छे रहते हैं और आपका जीवन जो है वो अधिक सुखमय होना शुरू हो जाता है। सो ये स्टोरी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी तरह बनेंगे कि जिंदगी में होने वाली बुराइयों को भूल जाएंगे और आने वाली या होने वाली अच्छाइयों को सदा सदा के लिए पत्थर के लकीर की तरह अपने जीवन में पर लिख कर चलते रहेंगे दोस्तों। सो बहुत खूबसूरत स्टोरी, थैंक यू आमिर भाई, आपने ये मुझे भेजी और आपके बिहाफ पे आज मैंने ये स्टोरी सुना दी। आज का जो विषय है दोस्तों, आज का विषय भी स्किन है, खूबसूरती है, कि हमें कैसे खूबसूरत दिखना है, हमें किस तरह से अपनी स्किन का ध्यान रखना है। तो इस विषय को लेकर हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब स्किन की जहां तक बात करी जाए, त्वचा, क्योंकि हमारी त्वचा से ही, वो कहते हैं ना, त्वचा से ही हमारी उम्र का पता लगता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी त्वचा पे उसके प्रभाव साफ नजर आते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी त्वचा का ध्यान नहीं रखते या जिंदगी, जिनकी जिंदगी जो है वो बहुत कष्ट में या बहुत ज्यादा तकलीफ में बीतती है, तो उनकी त्वचा पर वो सब चीजें नजर आती हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, लाइनें आनी शुरू हो जाती हैं त्वचा के ऊपर,
और जिससे आपकी उम्र जो है वो दिखनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है त्वचा की जो इलास्टिसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है और वो ढीली पड़नी शुरू हो जाती है और वो लटक जाती है। ये अक्सर हमने अपनी बढ़ती उम्र के साथ ये चीज को महसूस करा है। लेकिन हर एक को लगता है कि उसको सदा जवान रहना चाहिए, उसको 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 अगर अगर लंबा जीना है तो अगर उसकी अगर खूबसूरती बनी रहे, उसकी त्वचा जो है वो बरकरार रहे तो उसको अच्छा लगता है, हर एक को अच्छा लगता है दोस्तों। अब त्वचा की अलग अलग रंग हैं, ईश्वर ने दिए हैं रंग, लेकिन चाहे किसी का गोरा है, ब्राउन है, ब्लैक है, त्वचा जो है उसका क्वालिटी कैसी है उससे फर्क पड़ता है। अगर किसी का बहुत गोरा रंग है लेकिन स्किन डल है, उसमें उसमें चमक ही नहीं है, तो उस गोरेपन को भी आप अच्छा नहीं कहेंगे। जबकि एक ब्राउन कलर या ब्लैक कलर जिसमें चमड़ी में अच्छी शाइन है, स्पॉटलेस त्वचा है, उसमें कोई निशान नहीं है, वो बढ़िया है, वो वही सही त्वचा है दोस्तों। तो अब इस त्वचा का ध्यान कैसे रखें, हम अपने शरीर में बालों का ध्यान कैसे रखें, ये आज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। आप अगर को सोचते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस के हिसाब से हेल्थ में सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है, तो दोस्तों स्किन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग परेशान है वो अपनी त्वचा और बालों को लेकर ही है। तो अगर आप व्यापार की दृष्टि से भी अगर आप देखते हैं तो एक आज का सेशन जो है ये काफी बढ़िया सेशन है आपकी नॉलेज के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। सो सचिन आप अगर स्लाइड लगाएंगे तो मैं देख पाऊंगा कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आज। देखिए हम बात कर रहे थे स्किन की, अब स्किन जो है उसके ऊपर किन चीजों का दुष्प्रभाव पड़ता है। देखिए सबसे पहले तो जिनका मन चित्त शांत रहता है, जो लोग अंदर से पीसफुल रहते हैं, जो लोग दूसरों को माफ कर कर चलते हैं, उनके चेहरे पर एक शांति रहती है, उनकी त्वचा पे एक एक पीस रहती है। सो पहला तो सबसे पहला जो मन में अगर हम शांत रखेंगे तो उसका असर हमारी त्वचा पर भी नजर आता है दोस्तों। तो दूसरी चीज, अगर आप त्वचा का ध्यान रखना चाहते हैं तो आपको खूब पानी पीना चाहिए, अच्छी इलास्टिसिटी के लिए और त्वचा की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी शाइन को मेंटेन करने के लिए पानी की मात्रा हमारे शरीर में बराबर रहनी चाहिए। तो आप पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए। अगर आप अपनी त्वचा का ध्यान रखना चाहते हैं तो दिन में 8-10 गिलास पानी पीना अति आवश्यक है दोस्तों। वाटर कंटेंट अच्छा रहेगा तो स्किन आपकी अच्छी रहेगी, स्किन स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहेगी दोस्तों। अब त्वचा के ऊपर किन किन चीजों का दुष्प्रभाव पड़ता है, मैंने कहा पानी की कमी, और दूसरा मैंने विचार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी त्वचा के ऊपर जिसका सीधा हमारे त्वचा पे प्रभाव पड़ता है, वो है सूर्य की रोशनी और पॉल्यूशन, डर्ट, हवा में फैले विषैले कीटाणु जीवाणु हमारी त्वचा पर लगते रहते हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो जो डस्ट है, जो हवा में फैला हुआ प्रदूषण है, ये हमारी त्वचा को खराब करता है दोस्तों। सूर्य की रोशनी में एक अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जिसको यूवी रेज कहते हैं। वैसे तो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो यूवी रेज को रोकता है, लेकिन सारी यूवी रेज नहीं रुकती दोस्तों। यूवी रेज धरती पर आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज धरती पर आती हैं, और जब वो हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो स्किन के ऊपर जो सबसे पहला प्रभाव है कि स्किन आपकी त्वचा जो है वो काली होनी शुरू हो जाती है। इसको आप कैसे महसूस कर सकते हैं, आप जरा देखकर देखिए, जो त्वचा आपकी एक्सपोज्ड रहती है, जो लोग धूप में घूमते हैं या बाहर कार्य करते हैं वो अच्छे से इस चीज को जान पाते हैं कि जो त्वचा आपकी ढकी हुई है और जो त्वचा आपकी एक्सपोज्ड है, दोनों के कलर में बहुत भयंकर अंतर होता है। आप अगर जिन दिनों ह्यूमिडिटी ज्यादा हो उन दिनों आप
देखेंगे कि यूवी रेस का प्रभाव ज्यादा होता है। आप बनियान पहनकर घूमते हैं तो जो एरिया आपका ढका रहा उसमें और जो एक्सपोज्ड एरिया में कलर में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है दोस्तों। तो इसका मतलब यह है कि जो सन की रेज हैं, यूवी रेज हैं, वो स्किन के ऊपर पड़ रही हैं, स्किन के ऊपर पड़ रही हैं तो हमारी त्वचा को झुलसा देती हैं, वो त्वचा की क्वालिटी को खराब करती हैं, त्वचा की जो ऊपरली लेयर है उसको वो लेयर को खराब करती है दोस्तों। तो यूवी रेज से कैसे बचें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कभी आपने देखा है जो सड़क पर काम करने वाले लोग होते हैं या जो मजदूर होते हैं ये बहुत जल्दी बूढ़े नजर आते हैं। ये अक्सर हम इस चीज को भी महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो सारा दिन धूप में एक्सपोज रहते हैं, धूप में बहुत ज्यादा कार्य करते हैं तो बहुत ज्यादा पसीना आता है, मिट्टी डस्ट बहुत होती है, यूवी रेज के अंदर एक्सपोज होते हैं वो लोग, तो उनकी त्वचा पे बहुत जल्द झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, त्वचा पे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, त्वचा की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो यूवी रेज से जो लेयर है ऊपर की वो खराब होती है, यूवी रेज से आपकी रिंकल्स आनी शुरू हो जाती हैं, यूवी रेज से आपकी जो क्वालिटी है डलनेस त्वचा पे आनी शुरू हो जाती है, और जो बाहर का पॉल्यूशन है ये भी आपकी त्वचा को खराब करता है। आपके पोर्स के अंदर जब डस्ट चली जाती है उसमें बैक्टीरिया चले जाते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी जो स्किन की क्वालिटी है उसको खराब करना शुरू कर देते हैं। अब अगर ये सब चीजें हमारे साथ हो रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे अपनी त्वचा का ध्यान रखें, किस तरह से अपने जो स्किन के पोर्स हैं, जो ऊपर की लेयर है स्किन की, उसको कैसे हम सही रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उसमें सबसे जरूरी है स्क्रबिंग। देखिए हमारी जो त्वचा का ऊपरी लेयर है, जो हमारे सेल्स हैं, ये बदलते रहते हैं, डेड होती रहती है ऊपर की लेयर और नीचे से नई स्किन बनती रहती है। तो धीरे धीरे जो ऊपर की डेड लेयर है ये झड़ती रहती है और ये निकलती रहती है और नीचे से नई त्वचा बनती रहती है। ये एक रोज की प्रक्रिया है, जो रोज होने वाला कार्य है, जो शरीर अपनी मुरम्मत खुद कर रहा होता है। तो ये इसके अंदर क्या होता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो जो स्किन के पोर्स हैं उसमें डस्ट चली जाती है, उसमें पॉल्यूशन चला जाता है जिससे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, इस वजह से स्किन पे बहुत सारे प्रॉब्लम, रैशेज आने शुरू हो जाते हैं, स्किन पे स्कार आने शुरू हो जाते हैं, स्किन पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, स्किन पे फोड़े निकलने शुरू हो जाते हैं, ऐसी बहुत सारी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं हमारे को इसी तरह से स्किन के ऊपर कि अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया, फंगस चली गई और हमने उसको ठीक से साफ नहीं करा, त्वचा का ध्यान ज्यादा नहीं रखा तो वो धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती है और बहुत सारी ऐसी स्किन की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। तो त्वचा का ध्यान रखने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि अपने विचारों को अच्छा रखिए, त्वचा का ध्यान रखने के लिए पानी की मात्रा को खूब पीजिए। अब हम अगर दूसरी चीज, अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, स्क्रबिंग करना। स्क्रब का पर्पस क्या होता है, देखिए स्क्रब के अंदर छोटे छोटे दानेदार मटेरियल होता है इसके अंदर, क्रीमी बेस के अंदर, इसमें क्रीम जैसे बेस के अंदर एक दानेदार मटेरियल होता है और वो क्या करता है जब हम उसको रगड़ते हैं स्किन के ऊपर हल्के हाथों से 5-7 मिनट उसकी मालिश कर जैसे मसाज करते हुए गोलाकार में जब स्क्रब को मुंह पर रगड़ते हैं तो वो ऊपर की जो डेड लेयर है उसके अंदर जो पोर्स हैं, उसके अंदर जो डर्ट है, डस्ट है, उसको वो निकाल देता है। उससे आपकी जो त्वचा के ऊपर की डेड स्किन्स है वो हटनी शुरू हो जाती है, अंदर के पोर्स की सफाई होनी शुरू हो जाती है, आपके जो कोई भी ऐसे हार्मफुल अगर बैक्टीरिया पॉल्यूशन के पास स्किन पे चिपके हैं तो वो उसको क्लियर कर देता है दोस्तों। तो जो हमारा अमूल्य का जो एप्रीकॉट स्क्रब है, एप्रीकॉट स्क्रब जो है ये एक नेचुरल आयुर्वेदिक स्क्रब है दोस्तों। इसमें बहुत सारी अच्छी जड़ी बूटियां जैसे एलोवेरा है, पपीता है, खुरमानी है, वॉलनट है, ये जो आयुर्वेदिक चीजें हैं ये त्वचा की स्किन को बेटर करती हैं। आपके इसके अंदर जो वॉलनट का, अखरोट के छिलके का बहुत बारीक मटेरियल होता है जो स्किन के ऊपर हल्के हाथों से रगड़ने से डेड स्किन को निकाल देता है दोस्तों। तो अगर आप अपनी त्वचा का ध्यान रखना चाहते हैं, वाकई चाहते हैं कि आपकी जो उम्र से आपकी त्वचा से आपकी उम्र का ना पता चले, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी रहे,
आपके चेहरे पर इस तरह की कोई परेशानियां ना हो तो आप इसका नियमित इस्तेमाल करें। एप्रिकॉट स्क्रब इज सो गुड। ये स्क्रब जो है आपकी डेड स्किन्स को निकाल देगा, पोर्स को क्लीन करेगा, अंदर छिपे हुए बैक्टीरिया और बाकी चीजों को ये निकाल कर बाहर करेगा। तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार स्क्रब का इस्तेमाल करना जरूरी है और इसको कम से कम 5 मिनट से 6 मिनट तक इसको चेहरे पर हल्के हाथों से मालिश की तरह से रगड़ते रहें। इसको आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्रीम बेस जो है वो चेहरे पर लगना शुरू हो गया है, क्रीमी, उसमें थोड़ा सा सोपी है, थोड़ा सा सोप जैसा पदार्थ है और जो इसके अंदर दानेदार मटेरियल है वो आपकी डेड स्किन्स को निकाल बाहर करेगा। और जब आप उसके बाद गुनगुने से नॉर्मल पानी से जब आप चेहरे को धोएंगे तो चेहरे के पोर्स भी क्लीन हो चुके होंगे, डेड स्किन भी हट चुकी होगी और आपकी त्वचा जो है वो पहले से ज्यादा हेल्दी और मुलायम हो चुकी होगी। ये आप एक्सपीरियंस आज ही कर देख सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। आज ही अगर आप में से जो लोग इस मीटिंग के बाद इस स्क्रब को इस्तेमाल करें, थोड़ी मात्रा में हाथ पर लें, उसको हाथ पे फैला कर चेहरे पर कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसकी मालिश करें, 5 से 6 मिनट भी मालिश कर सकते हैं और उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लें, तो आप पाएंगे कि आपकी स्किन जो है वो पहले से बहुत बेहतर नजर आने लग गई है। इसी कड़ी में हमारे पास एक हमारा फेस वॉश भी है। इसमें नेक्स्ट ओके इसमें डीटैन है। अभी नेक्स्ट डीटैन हम बात कर रहे थे स्क्रबिंग और डीटैनिंग की। डीटैन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य की रोशनी जब हमारे चेहरे पर या स्किन पे पड़ती है तो हमारी स्किन जो है एक्सपोज्ड जो स्किन है उसका कलर काला पड़ना शुरू हो जाता है, टैनिंग शुरू हो जाती है और ये लगभग सभी के साथ ये सेम समस्या है। आप में से जितने भी लोग हैं सब इस टैनिंग की समस्या से गुजरते हैं, त्वचा काली पड़नी शुरू हो जाती है जिसको हम टैनिंग बोलते हैं। और अगर ये टैनिंग हम जल्दी रिमूव नहीं करेंगे, अगर ये टैनिंग को अपने त्वचा से नहीं हटाएंगे तो धीरे धीरे ये आपकी त्वचा को खराब करना शुरू हो जाएगी और आपकी त्वचा पर समय से पहले रिंकल्स और समय से पहले आपकी त्वचा पर झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि सन का एक्सपोज ज्यादा ना हो, तेज धूप स्किन पर ना पड़े अगर आप अपनी त्वचा का ध्यान रखना चाहते हैं। तो त्वचा के ध्यान रखने के लिए अगर टैनिंग हो रही है तो आपके लिए स्क्रब है और स्क्रब के बाद ये दूसरा इम्पॉर्टेंट अमूल्य ने आपके लिए दिया है डीटैन क्रीम। ये डीटैन क्रीम जो है ये एक नेचुरल आयुर्वेदिक मटेरियल द्वारा, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा तैयार की गई है। ये इसमें जितनी भी चीजें हैं, केला है, पुदीना है, चना है, मजिस्ट्रा है, इमली है, कपूर है, ये सारे के सारे मटेरियल आपकी त्वचा से नेचुरल तरीके से टैन को हटाने के लिए है दोस्तों। ये ब्लीच नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत क्लियर बोल दूं, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें ब्लीच तो नहीं डाला हुआ। देखिए ब्लीच एक केमिकल है जो आपकी त्वचा की ऊपरली लेयर को जला देता है। आप अगर कोई किसी तरह से जब ब्लीच करते हैं तो आपके जो बाल हैं, जो चेहरे पर बाल है, जिस भी एरिया में अगर आप ब्लीच लगाते हैं तो बाल ब्राउन हो जाते हैं। ये डी टैन जो है ये बालों को ब्राउन नहीं करता, ये नेचुरल तरीके से जो ऊपर होने वाली जो लेयर है, टैन की लेयर है, जो सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से आपके चेहरे पर जो टैनिंग हो गई है उसको ये साफ करता है। और ये एक बार में नहीं होगा, आपकी अगर बहुत पुरानी टैनिंग है तो आपको समय लगेगा, इसको कई बार एप्लीकेशन लगाने के बाद आप अपनी त्वचा से टैनिंग हटा सकते हैं। इसका छोटा सा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने एक हाथ पर डी टैन क्रीम लगाइए और इस क्रीम को हल्के हाथों से 2-3 मिनट तक मालिश कर लीजिए और एक हाथ पर छोड़ दीजिए। आप 5 मिनट से 10 मिनट इसको रखना है, आपने 10 मिनट रखेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। 10 मिनट इसको लगा रहने दे क्रीम की लेयर को और उसके बाद पानी से हाथ को धो लीजिए। आपको इमीडिएटली दोनों हाथों की स्किन के अंदर साफ साफ नजर आएगा, कलर के डिफरेंस नजर आएगा। मींस जिस हाथ पर आपने लगाया था उससे आपने टैनिंग हटा दी। और ये एक्सपेरिमेंट जो है आप अपनी मार्केट के अंदर अपने लोगों के सामने भी कर सकते हो।
आपकी त्वचा की क्वालिटी में फर्क नजर आता है। आप इसको लगाइए, चेहरे पर लगाइए, हाथों पे लगाइए, पैरों में लगाइए, जहां पर भी आपको लग रहा है कि टैनिंग हो गई है उसको पहले स्क्रब करिए। स्क्रब करने के बाद आप इस डी टैन क्रीम को लगाइए, इसकी हल्के हाथों से मसाज करिए, 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक इसकी मालिश करिए चेहरे पर, और इसको 10 मिनट तक लगा रहने दीजिए। इस क्रीम को चेहरे पर एज इट इज लगा रहने दीजिएगा 10 मिनट तक, और 10 मिनट के बाद आप नॉर्मल पानी से या हल्के गुनगुने पानी से अपनी त्वचा को धो लीजिए, जहां पर आपने क्रीम लगाई है उसको धो लीजिए, और आप हल्के टॉवल से जब आप चेहरा साफ करेंगे, हाथ पैर जहां पर भी आपने क्रीम लगाई है, आपके धीरे धीरे त्वचा से टैनिंग कम होनी शुरू हो जाएगी और जो ओरिजिनल त्वचा का कलर है वो आ जाएगा। ये गोरा करने का हमारा कोई पर्पस नहीं है दोस्तों। हम ये मानते हैं कि जो रंग दिया है वो ऊपर वाले ने दिया है आपको, लेकिन उसी कलर की अगर आप रक्षा करते हैं, उसी कलर की अगर आप त्वचा की अगर आप केयर करते हैं, अगर आप उस त्वचा को बेटर बनाते हैं तो आप खूबसूरत दिखेंगे दोस्तों। तो आपकी खूबसूरती आपकी त्वचा की क्वालिटी में है, ना कि रंग के अंदर। तो ये डी टैन जो है आपके जो ओरिजिनल कलर है स्किन के उसको निखार देगा, उसके अंदर शाइन लेकर आएगा, ऊपर से टैनिंग को रिमूव करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक जवान दिखें तो आपको आज ही से ही अपनी स्क्रबिंग, अपनी स्किन का ध्यान रखना पड़ेगा, हाथों में, पैरों में, चेहरे पर, त्वचा पर अगर आप स्क्रबिंग करते हैं। लोग पैरों का ध्यान नहीं रखते, बहुत सारे लोग मैंने देखा है उनको पैरों की परवाह ही नहीं होती, जबकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैरों से भी शुरू होती है। तो आपके हाथ पांव सुंदर दिखें, आपका चेहरा अच्छा दिखे, उसके ऊपर डर्ट मिट्टी ना जमे, उसके ऊपर गंदी त्वचा को गंदा ना रखें, उसको साफ रखना है, तो स्क्रबिंग, उसके बाद डी टैनिंग। डी टैन आपको मैंने बताया कि आपकी त्वचा के ऊपर की जो स्किन के ऊपर जो आपकी लेयर बन रही है अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से, जो जल जाती है स्किन, जो कालापन आ जाता है, वो धीरे 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 ये आपको निकाल कर बाहर करेगा दोस्तों। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये बेसिकली। हाँ, ये कॉस्मेटिक नहीं है दोस्तों, ये आयुर्वेदिक लाइसेंस में बना हुआ और प्योर हर्ब्स के साथ, इसके अंदर लिखा है हमने आपको केला, पुदीना, चना, मजिस्ट, इमली, कपूर। इमली जो है आपने देखा होगा कि बर्तन भी अगर आपके गंदे हैं तो कहते हैं ना इमली से साफ कर दीजिए, चमक जाते हैं। बहुत सारे ऑर्नामेंट लोग जो है गहने भी इमली से साफ करते हैं, क्योंकि उसका खट्टापन जो है वो डर्ट को, डस्ट को निकालता है। इसी तरह इसके अंदर भी ये सारी चीजें, जड़ी बूटियां जो है, ये आपकी स्किन के ऊपर जो एक लेयर है उसको क्लियर करने में बहुत मदद करती है। नेक्स्ट, हाँ, अब ये सनस्क्रीन की जहां तक बात आ गई, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि सूर्य की रोशनी से, पॉल्यूशन से, डर्ट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं स्किन के अंदर। और हाँ, अगर अब हम बाहर जा रहे हैं दोस्तों, जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसी चीज है हमारे पास जो हमारे को इस, क्योंकि बाहर जाना तो हम रोक नहीं सकते, हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कमरे में बैठे रहे, हम धूप में ना निकले, हम बाहर ना जाए, हम काम ना करें, लेकिन ये सब कार्य भी हमें करना है। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो हमारे को इस सनलाइट की डायरेक्ट एक्सपोजर से या अल्ट्रा वायलेट रेस से बचा सकती है? हाँ दोस्तों, आपकी त्वचा को सीधे सन की रेस से होने वाले नुकसान से ये बहुत अच्छे से बचाती है, वो है अमूल्य का SPF 30 प्लस सनस्क्रीन लोशन। तो दोस्तों, ये बहुत बढ़िया एक लोशन है, ट्यूब में आता है, आपके सामने है। आप जब भी घर से जाएं आप इसको अपनी त्वचा पर लगा कर जाएं। आप पहले त्वचा को धो लें, एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाएं चेहरे पर, और उस मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप इस सनस्क्रीन लोशन को अपने चेहरे के ऊपर एक लेयर के रूप में लगा दें। थोड़ा सा पहले व्हाइटनेस आएगी, लेकिन थोड़ी कुछ ही सेकेंड या मिनट में ये जो है आपके नेचुरल स्किन कलर के अंदर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ये एक लेयर बनाती है दोस्तों, ये क्रीम जो है एक ऐसी त्वचा के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर बना देती है, जिससे डायरेक्ट सूर्य की रोशनी का असर आप पर नहीं होता, ये टैनिंग नहीं हो पाती इससे। और आप ये नहीं है कि इसको एक बार लगा लिया,
लेकिन दिन में दो बार तीन बार भी इसका इस्तेमाल करें। जब भी आप जा रहे हैं सूर्य की रोशनी में तो आप इसको लगा कर जाएंगे तो आप देखेंगे कि त्वचा पर होने वाले जो नुकसान है, जो स्किन के ऊपर डस्ट पॉल्यूशन या सूर्य की रोशनी से, उससे ये लेयर के रूप में आपकी प्रोटेक्शन करती है। तो इसको भी हम लोग लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये इतना बड़ा मार्केट है दोस्तों, इतनी बड़ी इसकी मार्केट है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में बिलियन बिलियन डॉलर्स के लोग सिर्फ कॉस्मेटिक्स हर साल खरीदते हैं, और जो हम दे रहे हैं आपको एक नेचुरल कॉस्मेटिक्स है दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूँ हेल्दी स्किन के लिए। हेल्दी स्किन के लिए खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या खाएं जिससे हमारी त्वचा के अंदर इलास्टिसिटी बनी रहे, जिससे हमारी त्वचा खूबसूरत रहे, जिससे हम एंटी एजिंग, मतलब हम उम्र से पहले बूढ़े ना हो, उम्र के साथ साथ भी हमारी त्वचा जो है वो हेल्दी रहे। तो दोस्तों हमारे पास कई ऐसी चीजें हैं। मैंने आपको कल जो बताया था नोनी जूस के बारे में बताया था दोस्तों। नोनी जूस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। आपकी त्वचा हेल्दी रहेगी जब आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा अच्छी रहेगी। विटामिन सी का सोर्स कौन कौन से है? विटामिन सी के सोर्स हैं आपके सिट्रस फ्रूट, जैसे संतरा, मौसमी, ये आपके सिट्रस फ्रूट जो हैं वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी हैं। आप सर्दियों में च्यवनप्राश खाते हैं, आंवला, वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। इसी तरह जो नोनी जूस है, नोनी जूस में आंवला भी है और नोनी भी है, ये दोनों जो है बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन सी के। अगर आप सुबह और शाम नोनी जूस का इस्तेमाल करते हैं 20 से 30 ml सुबह और 20 से 30 ml शाम को, ये आपकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करता ही है। आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, परंतु ये आपके बालों के लिए और आपकी त्वचा के लिए भी बहुत शानदार चीज है, बहुत ही बढ़िया है ये नोनी जूस। तो आप जिन लोगों को परवाह करते हैं, जिन भी आपको स्किन की चिंता है, जिनको आप स्किन का सोल्यूशन दे रहे हैं, उनको आप नोनी जूस भी रिकमेंड करिए। सुबह शाम नोनी जूस बहुत ही फायदेमंद रहेगा, हेल्थ के लिए भी, बालों के लिए भी और डाइजेशन के लिए भी। बहुत सारे लोगों को चेहरे पर प्रॉब्लम होती है पिंपल्स की, और उसमें एक बहुत बड़ा कारण है डाइजेशन का। आपका जो नोनी जूस है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है दोस्तों। तो ये बहुत ही गुणों से भरपूर है। अधिक आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप इसको रोज अगर किसी को देंगे तो बहुत हेल्थ बेनिफिट है। एंटी कैंसर भी है इसमें, बहुत सारे गुण हैं जो मैंने आपको बताए थे। लेकिन ये सबसे ज्यादा इसका आप अगर स्किन के लिए करना चाहते हैं इस्तेमाल, तो स्किन के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। ये बॉडी के जितने टॉक्सिन्स हैं, त्वचा पे जितने अंदर टॉक्सिन्स हैं, ये अंदर से हेल्थ देता है बॉडी के अंदर, आपकी त्वचा को, टॉक्सिन्स को ये बाहर निकालता है दोस्तों। आपके खाने में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका टमाटर। स्किन के लिए टमाटर बहुत अच्छा है। टमाटर के अंदर लाइकोपिन होता है, और जो लाल पदार्थ होता है ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप कभी कभी टमाटर का रस भी चेहरे पर लगा सकते हैं निकाल कर, उससे बाहर से त्वचा के अंदर भी बहुत बढ़िया आपको फायदा मिलेगा। तो और आप एक और चीज, आप त्वचा के ऊपर रात को सोने से पहले अगर आप अमूल्य का एलोवेरा जेल लगाते हैं तो ये एक बहुत ही शानदार औषधि है। एलोवेरा जो है वो स्किन के लिए गुणों से तो भरपूर है ही, एलोवेरा की जितने गुणों की चर्चा करी जाए वो कम है। ये बहुत गुणकारी एलोवेरा औषधि है, लेकिन इस औषधि का स्किन के ऊपर भी बहुत अधिक लाभ है। कटे हुए, जले हुए स्कार्स पे आपके चेहरे पर छाइयां आनी शुरू हो गई हैं, रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं, इन सब से भी एलोवेरा जेल जो है आपकी रक्षा करता है। आप अगर रात को सोने से पहले अमूल्य के फेस वॉश के साथ अपने चेहरे को धोकर अगर रात को एलोवेरा जेल लगाकर सोते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपकी त्वचा की जो रंगत है, आपके चेहरे के जो निशान है वो कम होने शुरू हो गए हैं। चेहरे पर एक ग्लो आना शुरू हो गया है, एक चेहरे पर एक शाइन आनी शुरू हो गई है। तो आप इसको रूटीन बनाए दोस्तों। आप रात को सोने से पहले घर में जब आते हैं बाहर से अपने चेहरे को धोएं,
चेहरे को धोना बहुत जरूरी होता है, हेल्दी होता है, क्योंकि दिन भर की जो मिट्टी है, डस्ट है, बैक्टीरिया है, फंगस है, क्या क्या हमारे चेहरे पर चिपता होता है, वो सब जो है वो फेस वॉश जो है वो क्लीन करेगा आपके चेहरे को। और उसके बाद सोने से पहले थोड़ा सा अमूल्य का एलोवेरा जेल, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ अमूल्य का एलोवेरा जेल, ये प्राकृतिक चिकित्सा है। एलोवेरा जो जेल अमूल्य बनाता है, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है, ये प्योर एलोवेरा के जूस से बना हुआ है और ना ही हमने इसमें कोई कलर डाला है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो एलोवेरा जेल मिलते हैं वो हरे रंग के होते हैं, लेकिन कभी आप अगर एलोवेरा के पत्ते को काट के देखेंगे तो उसके अंदर जो जेल पाया जाता है वो प्राकृतिक रूप से बिना किसी कलर का होता है, वो पानी जैसा होता है। तो जब हम लोग ये बना रहे थे एलोवेरा जेल, तो मेरे केमिस्ट ने पूछा कि सर इसमें हरा रंग डालना है, तो मैंने कहा जरूरत क्या है किसी रंग को डालने की, जो नेचुरल है तो वही दो, हम क्यों फालतू में किसी भी चीज में केमिकल या कलर डालकर उसकी क्वालिटी को खराब करते हैं। हमें दिखता कैसा है वो जरूरी नहीं है, कार्य कैसा करता है वो ज्यादा जरूरी है। तो हम जो एलोवेरा जेल बनाते हैं दोस्तों, ये प्योर एलोवेरा के जूस से बनता है, और ये अगर आप रेगुलर रात को इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपकी त्वचा के लिए बहुत ही गुणकारी है। तो आज हमने स्किन केयर का एक स्टेप लिया, और ये अभी कल तक चलेगा स्किन का सेशन, हम कल भी जो बाकी चीजें हैं स्किन को, वो सब बातें भी कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो आज जो हमने सीखा, मैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, वो ये था कि जो सूर्य की रोशनी है, जो तेज धूप सूर्य की जो रोशनी हमारे स्किन पर पड़ती है, इससे हमारे स्किन की ऊपर नुकसान होता है, क्योंकि उसमें आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज स्किन को झुलसा देती हैं, ज्यादा स्किन का एक्सपोज जो है वो त्वचा की क्वालिटी को खराब करता है, रिंकल जल्दी आएंगे चेहरे के ऊपर, आपकी डर्ट जमा जो होती है उससे एक लेयर बन जाती है जिसको टैनिंग बोलते हैं। अब इन सबको रिमूव करने के लिए स्क्रब का इस्तेमाल करें, डी टैन लगाएं, और सूर्य की रोशनी में जाने से पहले आप सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करें। अंदर से अगर आप क्वालिटी चाहते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बालों का टेक्सचर अच्छा रहे, बाल ना झड़ें, स्किन की इलास्टिसिटी मजबूत रहे, तो उसके लिए आप नियमित रूप से नोनी जूस दीजिए लोगों को दोस्तों, और रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। ये आज स्किन का एक छोटा सा सेशन था, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपने नोट करी होंगी। अगर आप इसको व्यापार की दृष्टि से भी देखते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है। आप ठीक से अगर किसी को समझा पाते हैं तो आप उसको प्रोडक्ट बेच पाते हैं दोस्तों। आज की डेट में नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम कई बार व्यापार इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि हम उसका पूरा ज्ञान नहीं रख पाते, हम लोगों को उसकी जरूरतों के हिसाब से सोल्यूशन नहीं दे पाते। अगर हम किसी को चिपकाने की कोशिश करेंगे, किसी को बेचने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी इंसान खरीदना नहीं चाहता, हर इंसान अपनी समस्या का समाधान चाहता है। अगर आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे, अगर उसकी स्किन प्रॉब्लम में, स्किन में होने वाली प्रॉब्लम का सही से सोल्यूशन देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान मना करेगा दोस्तों। सो आज आपने ये सब सीखा, उम्मीद करता हूँ कि इसको अप्लाई करेंगे, खुद पर भी अप्लाई करेंगे, खुद को अच्छा लगेगा तो आप लोगों को भी रिकमेंड करेंगे दोस्तों। सो आज इसी सेशन के साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, आज रात को हमने क्लोजिंग की है, जितने लोगों ने बिल थे वो सबके कंप्लीट हो चुके हैं, और इस शानदार क्लोजिंग के लिए मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस बार जो क्लोजिंग है वो बहुत शानदार रही, आप सबने खूब मेहनत करी, खूब बिजनेस करा और उसको लॉग इन कराया। अभी मुझे एग्जैक्ट क्वालिफायर्स का नंबर तो नहीं पता है, वो अभी सुबह जब मैं ऑफिस जाऊंगा या सचिन जी मुझे बताएंगे नंबर ऑफ क्वालिफायर्स कितने हैं, उसकी लिस्ट हम आपको आज साझा करेंगे। और आपकी सूचना के आपके लिए कि जैसे हमने 20, 21, 22 है शायद जो जिम कॉर्बेट की, आपको पता है डेट्स, आज एक बार सचिन जी को कहूंगा कि फिर से वो सबको अपनी उनकी डेट जो है, जिनको जिम कॉर्बेट आना है उसके लिए बुकिंग हो चुकी है, दीगा की भी बुकिंग फाइनल हो गई है, बस अभी थोड़ी देर के अंदर उसकी डेट्स भी मैं अनाउंस करने वाला हूँ। आप लोग तैयारी करें,
एक बार फिर एक शानदार मीटिंग के अंदर मिलने के लिए, जिसमें फन होगा, मस्ती होगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग भी हम लोग इस बार करने जा रहे हैं दोस्तों। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने आपसे एक बात शेयर करी थी, ये मंजिल की ओर पार्ट थ्री उत्तराखंड जिम कॉर्बेट जो है वो 20 अक्टूबर को है, 20, 21, 22, ये 3 दिन जो है वो जिम कॉर्बेट में हम लोग आपके साथ मिलने वाले हैं। अचीवर्स जो हैं यहाँ पर मिलेंगे, और जिन्होंने इस टूर को अचीव कराया उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया। इसमें इस बार कुछ लोगों ने अर्ली बर्ड में अपने टिफिन भी लिए हैं, उनको टिफिन अभी हम लोग जल्दी व्यवस्था करेंगे ताकि उन क्वालिफायर्स को टिफिन मिल सके, और जिन लोगों ने क्वालिफाई करा है वो लोग जो है वहां पर मिलेंगे हम सब। और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, अभी फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रिवॉर्ड्स की घोषणा की गई है। जैसे आपने फिल्म फेयर अवार्ड देखे होंगे, जैसे आपने टीवी के ऊपर बहुत सारे अवार्ड देखे होंगे, बॉलीवुड के ऐसे बहुत सारे रिवॉर्ड नाइट्स देखी होंगी, इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ से रिवॉर्ड नाइट घोषित करी गई है। ये पॉपुलर रिवॉर्ड है दोस्तों। इसमें हमने कंपनी ने डिसीजन लिया, हम पार्टिसिपेट करा हमने, और हमारी तरफ से इसके अंदर 3 कैटेगरी में पार्टिसिपेशन हुआ है। पहली कैटेगरी है डायरेक्ट सेलर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी। डायरेक्ट सेलर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में कंपनी की तरफ से जो नॉमिनेटेड हमारे कैंडिडेट हैं वो मिस्टर सुनील देवगन हैं। तो इस तरह बहुत सारी कंपनियों से अलग अलग लोग इसमें नॉमिनेट हुए हैं, और अमूल्य की तरफ से मिस्टर सुनील देवगन को इस कैटेगरी में हमने नॉमिनेट करा है। और दूसरी कैटेगरी है हमारी प्रोडक्ट ऑफ द ईयर। प्रोडक्ट ऑफ द ईयर में हमने आयुष 64 को लिया है। आयुष 64 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑफिशियल मेडिसिन है सरकार की तरफ से कोविड के लिए, और पूरी इंडस्ट्री के अंदर हमारी अकेली ऐसी कंपनी है जिसके पास ये प्रोडक्ट है, और बहुत ही कम देश में कंपनियां हैं जिनको इसकी बनाने की इजाजत मिली। वी आर वन ऑफ देम जिसको भारत सरकार की तरफ से इस औषधि को बनाने की परमिशन भी मिली, और नेटवर्क में अकेली ऐसी कंपनी है जो हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए आप अधिक से अधिक वोट दें। और तीसरी कैटेगरी है हमारी कंपनी ऑफ द ईयर, जो इनोवेशन में जो लोगों के लिए काम कर रही है, जो अच्छा काम कर रही है, उस कंपनी को रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये 3 कैटेगरी में अमूल्य ने पार्टिसिपेट करा है। इसके लिंक्स हमने आपको भेजने शुरू कर दिए हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सब इस रिवॉर्ड में अमूल्य को, अमूल्य के लीडर को, प्रोडक्ट को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए दिल खोल कर वोटिंग करवाएं और करें दोस्तों। मैं चाहता हूं कि सचिन जी, आपको जो लिंक मिला है उसके बारे में, कैसे आपने करना है इसके बारे में आपसे बात करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो सचिन जी, एक बार आप अगर एक बार इस चीज को समझा पाए, ये लिंक है, ये नॉमिनेटेड लिंक है जो आप सबके पास आएगा। इसमें आप देखेंगे कि प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ द ईयर नॉमिनेशन फॉर प्रोडक्ट अमूल्य हर्ब्स में मेल डायरेक्ट सेलर ऑफ द ईयर, और तीसरा जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ द ईयर। ये 3 कैटेगरी में अमूल्य ने पार्टिसिपेट करा है, और मैं चाहता हूं कि आप दिल खोलकर इस लिंक के ऊपर जाकर अपनी वोट दें। जितने ज्यादा वोट होंगे वो सबसे ज्यादा वोट वाली कंपनी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा, और उसको इस डायरेक्ट सेलिंग रिवॉर्ड नाइट के अंदर एक बड़े फंक्शन के अंदर उन सबको प्रोत्साहित किया जाएगा, उन सबको सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। सो आपको कैसे भरना है इसके लिए एक बार सचिन जी आपको बताएंगे, इसको समझ लीजिए, और आज से ही वोटिंग करनी है, और अगले 12-13 दिन के लिए ये वोटिंग लाइंस ओपन है। आप दिल खोल कर वोट करिए। हर एक आज जितने भी लोग आज इस मीटिंग के अंदर हैं, 450 से ज्यादा लोग, अगर आप 100-100 लोग भी अपनी टीमों में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने साथियों के साथ अगर आप वोट कराते हैं, तो बहुत बड़ा चांस है कि हम सर्वश्रेष्ठ कंपनी या सर्वश्रेष्ठ घोषित हों। तो
तो आपको इन लिंक्स पे क्लिक करना है। इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा, आपको वो प्रोडक्ट दिखेगा, आपको वो लीडर दिखेगा या कंपनी का नाम दिखेगा, आपने अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है, आपने वोट सबमिट करना है और वोट जो है वो सर्वर पर लिखा जाएगा और वो वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा वोट पाने वाले लीडर को, सबसे ज्यादा वोट पाने वाली कंपनी को या सबसे ज्यादा वोट पाने वाले प्रोडक्ट को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा और उसको इस अचीवर नाइट, इस नाइट, इस प्रोग्राम के अंदर आपको उसको प्रोत्साहित किया जाएगा दोस्तों। सो उम्मीद करता हूं कि आप अमूल्यंस हैं, आप इसके अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। ये फॉर्म है दोस्तों, जैसे ही आप नॉमिनेशन उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको अपना नाम भरना है, आपको अपना ईमेल आईडी देना है, आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना है, व्हाट्सएप का कॉन्टेक्ट नंबर देना है, आप जिस शहर से हैं वो देना है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप डायरेक्ट सेलर हैं तो डायरेक्ट सेलर हैं, मैनेजमेंट में है तो मैनेजमेंट में आपने देना है, और प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ द ईयर में यहाँ पर आपने सर्विसेज के बारे में लिखना है। ये कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपने इसको सबमिट बटन दबाना है। आपने लास्ट में आपने अपनी इंफॉर्मेशन और जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे आपका वोट डल जाएगा इस कैटेगरी के लिए। तो तीन बार आपने इस पर क्लिक करना है, तीनों वोट आपने डालने हैं और तीनों वोट ये डायरेक्ट सेलर मेल कैटेगरी में आप अगर आप आएंगे, सेम फॉर्म है सबके लिए, आपने अपने शहर का नाम, अपना डेजिग्नेशन, डायरेक्ट सेलर ऑफ द ईयर, आप डायरेक्ट सेलर कैटेगरी में जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, अमूल्य हब्स लिखा हुआ आएगा और आप इसको सबमिट करेंगे दोस्तों। इसी तरह तीसरा फॉर्म भी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ द ईयर। अगर आपको लगता है कि अमूल्य एक बेस्ट कंपनी है तो आप इसके लिए दिल खोल कर वोट करिए। यहाँ पर आपका वोट जो है वो काउंट होगा। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करिए, ज्यादा सबसे ज्यादा वोट जिसके पास होंगे वो कंपनी को बेस्ट घोषित किया जाएगा और इस अचीवर प्रोग्राम के अंदर उसको उसको प्रोत्साहन मिलेगा, उसको लाइक आपके लाइक से बहुत कुछ बदल सकता है दोस्तों। एक मौका है अपने आप को फिर से स्थापित करने का, एक मौका है दोस्तों अपनी कंपनी को फिर से लाइमलाइट में लाने का, एक मौका है अपने आप को जबरदस्त तरीके से खड़ा करने का दोस्तों। तो हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं ऐसा सभी मानते हैं, लेकिन अभी बढ़िया दिखाना भी है, उसकी आज जरूरत है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे, ये वोट्स करेंगे, ये लिंक्स जो है आज एक बार फिर से सभी को चले जाएंगे। एक इंसान एक ही बार वोट कर सकता है, अगर आप दोबारा वोट करेंगे तो वो वोट काउंट नहीं होगा क्योंकि सर्वर के ऊपर आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है या आपका जो ईमेल है उससे आपको ईमेल आ जाएगी और वो आपका वोट काउंट हो जाएगा। तो एक 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 कैंडिडेट एक ही वोट कर सकता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी आपके टीम में लोग हैं, जिनसे भी आप मिल रहे हैं, उससे आप आज तुरंत वोट कराना शुरू करें दोस्तों। सो उम्मीद करता हूं कि इसके अंदर भी हम नंबर वन रहने वाले हैं, हम नंबर वन रहेंगे। हम हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की बेस्ट कंपनी बनाना चाहते हैं, उसी लिए ये प्रयास है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज का दिन आपके लिए शुभ हो। आप अपनी त्वचा का ध्यान रखें, आप अपनों का ध्यान रखें, धैर्य से रहें, आप अपना पेशेंस लूज ना करें। आप लोगों को समझ, आपके अंदर अगर धैर्य होगा तो आपको लोगों को समझने की काबिलियत भी आपके अंदर बेहतर होगी। लोगों को आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे, जब आप लोगों को अच्छे से समझ पाएंगे तो आप अपने डिसीजन भी बेटर ले पाएंगे दोस्तों, और आप अगर डिसीजन बेटर लेंगे तो लोग आप पर विश्वास करने लगेंगे। तो वो मैं फिर से बोलता हूँ ना, वो कहते हैं ना कि आप अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि लोग आप पर भरोसा करें और आपके साथ महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें दोस्तों। इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद।